welcome to my show. Thank you. Rao sir, 1977 में जब आपने IAS ज्वाइन किया था तो क्या सोचा था कि इस मुकाम पे पहुंचेंगे, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनेंगे? कभी नहीं सोचा था ये तो. इनफैक्ट जब यहाँ से रिटायर होकर मैं वापस भोपाल गया 2013 दिसंबर के बाद, तब भी नहीं सोचा था. तो आपने BSc किया, MSc किया, मैथमेटिक्स किया, तो IAS को एज ए करियर बनाने का फैसला कैसे लिया उस समय? एक्चुअली मेरे फादर जो थे वो प्राइमरी स्कूल टीचर होते थे, तो मेरा जो जीवन का उद्देश्य था वो था एक बड़ा टीचर बनना. वाह. और उसी के लिए मैंने मास्टर्स इन फिजिक्स किया, उसमें हाईएस्ट मार्क्स लाए और कोशिश की कि मैं एक लेक्चरर बन जाऊं. दो जगह इंटरव्यू भी दिए लेकिन उसमें सेकंड डिविजनर्स का सिलेक्शन हो गया, तो बड़ा शौक लगा कि ये व्यवस्था कितनी अजीब है कि मेरिट और उसका कोई जगह नहीं है. तब फिर मुझे लगा कि कहीं तो मेरिट का कुछ होगा, तो फिर UPSC की तरफ ध्यान दिया कि चलिए UPSC ट्राई करते हैं. और वहाँ से जब ट्राई किया तो हर एक कंपटीशन में बहुत हाई मेरिट से पूरे कंट्री में सिलेक्शन हुआ, चाहे वो फॉरेस्ट सर्विस हो, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंक का हो, सब में होता गया. और सबसे पहला मैंने ज्वाइन किया इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, क्योंकि उसका अपॉइंटमेंट सबसे पहले हुआ. और उसमें भी मैं सोचता था कि अब मुझे UP मिल जाएगा क्योंकि मैं टॉपर हूँ और UP मेरा होम स्टेट है. लेकिन जब उसमें UP नहीं मिला, हिमाचल मिला, तब मुझे लगा कि अब तो फिर से तैयारी करके बैठना होगा. तब फिर इसमें दोबारा बैठा और फिर IAS में मध्य प्रदेश मिला. मनचाहा पोस्टिंग और सीट. जी हाँ, मतलब UP के पास तो मध्य प्रदेश या राजस्थान यही है. तो अब पिछले 3 साल से लगभग आप 15 से 18 तक कमीशन में हैं, पहले कमिश्नर थे, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं. तो कैसा लगा, आपका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इस 3 साल में क्या रहा, क्या लगा? सबसे पहले तो मैं एज इलेक्शन कमिश्नर देखता हूँ अपने कार्यकाल को, तो मुझे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये लगता है कि जो उस समय प्राथमिकताएं थी, जो उस समय चैलेंजेस थे, उन सब में एक टीम की तरह तीनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर और हम दोनों कमिश्नर्स ने मिलकर ऐसा काम किया कि जो इलेक्टोरल इंटेग्रिटी प्रोजेक्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है, हमारे पूरे ग्लोबल इलेक्शंस को वो ग्रेडिंग करता है, उसमें हमारे देश के 2014 के इलेक्शन की ग्रेडिंग जो है 100 में से 59 आई. लेकिन जो पहला इलेक्शन 2015 में बिहार का हुआ, बिहार जो बड़ा डिफिकल्ट माना जाता है, उसकी ग्रेडिंग हार्वर्ड के इलेक्टोरल इंटेग्रिटी प्रोजेक्ट ने 69 पे की, कि बहुत अच्छा इलेक्शन इंडिया में इस स्टेट का हुआ है. यू आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट वोकल फेयर एंड फ्री इलेक्शन कमिश्नर. अभी मुझे एक घटना याद है, वन पोल वन नेशन को लेके रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट अमित शाह ने एक बयान दिया था कि हमने एक पत्र लिखा है कि एक साथ होने चाहिए. तो जो उनकी सरकार में स्थिति है, जो उनकी पावर है, उनकी सीरियसनेस है, उससे आम धारणा थी कि काम होने वाला है. लेकिन एक हफ्ते बाद ही औरंगाबाद में आपने अपनी स्वायत्तता दिखाते हुए कहा कि ऐसा करना संभव नहीं है. तो इस सारे माहौल में इतना मॉरल गट्स, करेज, कन्विक्शन, ये कहाँ से आता है आप में? बेसिकली किसी भी व्यक्ति में जो अपना गट्स है या जो इस तरह का करेज है, जो साहस है, वो आता है अपनी पर्सनल इंटेग्रिटी, पर्सनल ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी से कि वी हैव नो एक्स टू ग्राइंड. कोई भी बात हो उसे बिल्कुल सीधे सपाट तरीके से आम जनता के सामने रखना. तो वही चीज़ मैंने भी उस समय देखी कि ये चर्चा चल रही है, सभी तरह के लोग कोशिश कर रहे हैं कि साहब ये पोल होने वाला है, ये पहले आने वाली है, इन 4 राज्यों के साथ होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा. जबकि हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन से जब हम लोगों से पूछा गया साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में, तो तभी हम लोगों ने अपने सुझाव दे दिए थे कि इसके लिए संविधान में ये संशोधन करने होंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ये संशोधन करने होंगे, और उसके बाद अगर संशोधन हो जाते हैं तब हमें लॉजिस्टिकली इतनी मशीनें चाहिए होंगी, इतना सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स चाहिए होगा, और ये पोलिंग पर्सनल लगेंगे, इसके बाद हम ये करा सकते हैं. जब हमने देखा कि लीगल फ्रेमवर्क, संवैधानिक संशोधन, RP एक्ट संशोधन कुछ हुआ नहीं है, तो ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति बात करता है या कोई भी ये कहता है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन कराए जा सकते हैं, कराए जाने चाहिए, वो मुझे लगता है कि बात बिल्कुल सही नहीं है और आधारहीन है. क्योंकि लीगल फ्रेमवर्क जब तक ये वाला रहेगा, कमीशन बाध्य रहेगा
कि जिन हाउसेस का टर्म 6 महीने के अंदर खत्म होने को है वहां वो तुरंत इलेक्शन नोटिफाई करे, इलेक्शन कराए। ये जब हम बात करते हैं वन नेशन वन पोल की, तो क्या इकोनॉमिकली ये मितव्यता है, इकोनॉमी है इसमें, बजट इसमें कई तरह की चीजें हैं। अभी कोई एम्पिरिकल स्टडी नहीं हुई है कि कितना बचत होगी या क्या नहीं होगी, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो व्यय बढ़ेगा मशीनों पर, क्योंकि अभी क्या है, अभी आधी मशीनों से ही काम चल जाता है, आधी संख्या में मशीनें हैं, वही लोकसभा और उसके साथ होने वाले राज्यों के चुनाव करा देती हैं, वही मशीनें अन्य राज्यों के चुनाव भी करा देती हैं। अगर सब चुनाव एक साथ होंगे तो हमें डबल नंबर ऑफ मशीन्स चाहिए होंगी, क्योंकि सारे चुनाव एक साथ हो रहे हैं, फिर उनको 5 साल तक रखने की व्यवस्था करनी होगी। 3 बार ही वो चुनाव कराएंगे क्योंकि इन मशीनों की लाइफ जो है 15 साल है, तो इस एरिया में खर्च बढ़ने की संभावना है। लेकिन दूसरी तरफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, पोलिंग पर्सनल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, दूसरे खर्चे, इन सबको अगर देखा जाए तो ये एक बार में ही सारे चुनाव हो जाने वाले हैं, तो इसमें अगर एक चुनाव में 100 का खर्चा है तो 120 खर्चे से दोनों चुनाव हो सकते हैं, मतलब थोड़ा 20% ज्यादा देकर आप दोनों चुनाव करा सकते हैं, तो उस एरिया में सेविंग भी हो सकती है। एक नया आइडिया आपने दिया है कि वन इलेक्शन इन वन ईयर, वो क्या कंसेप्ट? जब हम लोगों ने 15 में सुझाव दिए थे तो उस समय ये कहा था कि अगर ये संशोधन अभी नहीं होते हैं तो ये छोटे मोटे विधेयक संशोधन करके ये किया जा सकता है कि आप साल में एक विंडो फिक्स कर दीजिए कि सारे इलेक्शन उस साल में जो ड्यू हैं वो इस विंडो में 2 महीने में हो जाएंगे, ताकि बाकी 10 महीने कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगेगा, कोई चुनाव नहीं होगा और सरकारें स्वतंत्र होंगी कि वो अपना काम करती रहें। वो भी एक सुझाव है, वो भी एक प्रैक्टिकेबल सोल्यूशन है। तो ये अभी भी एक चर्चा है कि 2019 में लोकसभा के चुनाव होंगे मई में, तो 7 राज्य ऐसे हैं जिनमें 6-8 महीने में चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, बिहार, झारखंड है, तेलंगाना, आंध्र है, तो उनमें भी एक साथ चुनाव होने की कोई संभावना भी दिखाई दी थी आपको? वो हम लोगों की दृष्टि से कुछ कहना उचित उसमें नहीं है, क्योंकि वो पॉलिटिकल हो सकता है। कोई भी विधानसभा, जैसे अभी तेलंगाना में हुआ, कोई भी विधानसभा डिसॉल्व की जा सकती है समय से पहले, और कानूनी बाध्यता कमीशन की होगी कि जिस समय डिसॉल्व की गई उसके 6 महीने के अंदर और एज सून एज पॉसिबल चुनाव कराए जाएं। तो जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, ये विधानसभाएं हैं, अगर वहां तय किया जाता है संवैधानिक मशीनरी द्वारा कि इनको हम अर्ली डिसॉल्व करके और मई अप्रैल मई में चुनाव उसके करवाएं, तो वो लोग जब ऐसा निर्णय लेंगे और वो संबंधित गवर्नर द्वारा अनुमोदित कर दिया जाएगा तो शायद ऐसी संभावना बन सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिवली आप हैं? एडमिनिस्ट्रेटिवली हम लोग तैयार हो जाएंगे, क्योंकि लोकसभा और 5 राज्यों के हिसाब से हमारे पास मशीनें थी, एक राज्य पहले हो गया थोड़ा सा क्योंकि उसने पहले डिसॉल्व कर ली, तो अगर उसकी जगह 3 राज्य बढ़ते भी हैं तो संख्या में कोई ज्यादा अंतर नहीं होगा, वो संभव बना रहेगा। प्राइम मिनिस्टर ने आइडिया दिया था कि सारे चुनाव के लिए एक ही वोटर लिस्ट, इलेक्टोरल रोल्स होने चाहिए, चाहे पंचायत का हो, वो स्थानीय निकाय का हो, MLA का हो, MP का हो, इस पे कुछ काम? हाँ, इस पर जो विधानसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव है, इसकी मतदाता सूची एक ही है और ये एक साथ करने में मतदाता सूची के एंगल से कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन जो स्थानीय निकाय हैं, नगर पालिका और पंचायत, उनकी मतदाता सूची अलग हो जाती है, क्योंकि हम लोगों ने, संसद ने ये बंधन लगा दिया है कि विधानसभा और संसद के क्षेत्रों का डिलिमिटेशन, पुनर्सीमांकन 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बाद ही होगा, तो इसलिए वो फ्रीज हो गई। और फ्रीज इसलिए हो गई कि जो जिन राज्यों की जनसंख्या बढ़ती जा रही थी वहां से मांग आती थी कि हमारी सीटें बढ़ाइए, और जिन राज्यों ने साउथ के विशेष रूप से जनसंख्या पर नियंत्रण कर लिया था उनका मांग ये थी कि साहब हमने अच्छा काम किया है तो हमें पनिश ना किया जाए, हमारी सीटें कम ना की जाएं। तो इसलिए संविधान में यह संशोधन कर दिया गया था कि ये फ्रीज रहेगा और 2026 के बाद की जनगणना के बाद ही डिलिमिटेशन होगा। लेकिन ऐसा बैन, ऐसा प्रोहिबिशन नगरपालिका और पंचायत, उनके डिलिमिटेशन पर नहीं है, तो राज्य सरकारें अपने कानून के तहत अपने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के साथ उनके विचार विमर्श के साथ वो संशोधन सतत करती रहती हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया, राजस्थान में, MP में भी लगाया है, 40-45 लाख वोटर्स डुप्लीकेट हैं समथिंग, पहले 13 से
8 से 13 के बीच 1.5 करोड़ थे, फिर 13 से 18 के बीच 28 लाख हुए। तो ये डुप्लीकेट वोटर्स का इशू है, इसको कैसे डील कर रहे हैं? ये एक्चुअली मैं सबको, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया है, इससे पूरी जनता को, पूरे वोटर्स को मैं बताना चाहूँगा कि वोटर लिस्ट जो है एक फ्लूइड डॉक्यूमेंट, सतत बहती हुई धारा है, ये फ्रीज नहीं होती। जैसे 1 जनवरी 2018 के स्थिति में नए वोटर आए, जो डेड हो गए वो हट गए, जो ट्रांसफर हो गए, शिफ्ट हो गए, उन्हें हटना चाहिए, ये सब होते जाना चाहिए। फिर जैसे अभी इलेक्शन आ गए तो अभी समरी रिवीजन हुआ, उसमें नए लोग जो छूट गए थे उनने आवेदन किए, वो आएंगे, कुछ हटेंगे, ये सब हमेशा चलता रहने वाला है। तो इसलिए ये कभी एक डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं होगा कि जिसमें सब फ्रोजन है। दूसरी चीज क्या है कि जब ये कागजों में रहती थी तो पता भी नहीं चलता था कि कितने डुप्लीकेट, कितने फर्जी, कितने मरे हुए लोग उसमें हैं, क्योंकि कोई उतने कागज पलट के, लाखों पेज पलट के देख ही नहीं सकता था। कमीशन ने ही इनिशिएटिव लेके इसको डिजिटाइज किया, फिर डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनवाया, उससे हमें डुप्लीकेट्स पता लगे कि एक ही नाम, एक ही उम्र, एक ही वल्दियत या एक ही पति का नाम, एक ही उस पर कितने लोग हैं, वो पूरे आ जाते थे। अब कुछ तो अपने यहाँ नामों की कमी भी है, जैसे एक नाम राम भरोसे है, आपको 10,000 मिल जाएंगे, क्योंकि और नाम मिलते ही नहीं लोगों को रखने के लिए, तो उसकी वजह से डुप्लीकेट बनते हैं। दूसरा क्या होता है कि लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, जब वो नई जगह पहुंचते हैं तो वहां हमारी मशीनरी उन्हें पकड़ के वोटर बना देती है तुरंत, क्योंकि वो हमारा एक अभियान है कि भाई हर वोटर को, कोई भी वोटर छूटे ना, उसे वोटर बनाओ, तो वो बना देती है। लेकिन जो पिछला वोट उनका बना हुआ है वहां डिलीट होना रह जाता है, क्योंकि जब तक उनका फॉर्म 7 नहीं आएगा, जब तक ये वेरीफाई नहीं होगा कि वो वहां से चले गए हैं, तब तक वो डिलीट नहीं होता। तो दो डुप्लीकेट क्रिएट हो गए, एक पुरानी जगह पर भी उस नाम का आदमी, उसी वल्द का नाम, उसी का एज, और एक यहां पर हो गया। ऐसे डुप्लीकेट्स को हमारा डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थ्रो अप करता है, तो लाखों में आ जाते हैं हर रिवीजन के समय, फिर उनको हमारे वेरिफिकेशन प्रोसेस से वेरिफिकेशन होता है, और जब दो आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि ये एक ही हैं, तो हमारा बूथ लेवल ऑफिसर उनके पास जाके पूछता है कि आप कहाँ रहोगे, यहाँ रह रहे हो कि वहां, फिर वो डिलीशन होता है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, इसमें कोई फर्जी नहीं, कोई वोगस नहीं, सिर्फ एक फ्लूइड वोटर लिस्ट का कंटिन्यूअस अपडेशन की प्रक्रिया में जो चीजें होती हैं वो हो रही हैं। जिस पॉइंट पे भी आप निकालेंगे तो जितने हट गए हैं वो हट जाएंगे, बाकी आपको लिखेंगे कि साहब 12 लाख या 11 लाख अभी बाकी हैं, आप वो कह सकते हैं कि साहब इतने डुप्लीकेट वोटर्स। आसाम में जो 40 लाख लोगों का एनसीआर का इशू है, इसको किस ढंग से देखते हैं आप? ये एनआरसी वाला इशू जो है, ये अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि 25 सितंबर से 25 नवंबर तक ये लोग अपना पुनः 10 डॉक्यूमेंट के आधार पर क्लेम प्रस्तुत कर सकते हैं, और उसके आधार पर फिर निराकरण किया जाएगा जो 40 लाख बचे हुए हैं, कि वो नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। जब तक उनकी ये प्रक्रिया चलेगी, उसी दौरान हम लोगों का जो समरी रिवीजन विद रेफरेंस टू 1119 वो होगा। तो चूंकि ये फाइनल नहीं होगा इन 40 लाख लोगों का, तो उसमें जो हमारे कानून है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, उसके अनुसार हमारे इलेक्टर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स वो उनके आवेदन लेंगे, उनके जो भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा, एविडेंस होगा, वो लेंगे और लोगों की सुनवाई करेंगे। उसके आधार पर जो भी उचित पाएंगे कि ये वाकई सिटीजन हैं या नहीं, और ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं कि नहीं, 18 साल से ऊपर हैं कि नहीं, ये तीनों चीज़ें अगर साबित पाएंगे तो वो उनको रजिस्टर करके 4 जनवरी 2019 को प्रकाशन कर देंगे, और वो इलेक्टोरल रोल उस साल के लिए लागू होगी। जब एनआरसी फाइनल हो जाएगा, ये क्लेम ऑब्जेक्शन को डिसाइड करने के बाद जब एनआरसी फाइनल हो जाएगा, और अगर वो हमारे ईआरओ के साथ शेयर होगा, तो उसके आधार पर फॉर्म 7 बना के जो भी सिटीजन नहीं रहे उनको वो डिलीट करने की प्रोसेस शुरू करेंगे, उन्हें नोटिस देंगे, उनकी सुनवाई करेंगे, और उसके बाद उनको उससे डिलीट करेंगे। तो इन 4 राज्यों के चुनाव में पेड न्यूज़ कैसे हैंडल कर रहे हैं आप? पेड न्यूज़ और फेक न्यूज़ ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। आप भी देखते होंगे कि पूरे विश्व में कई बड़े बड़े लोकतंत्रों के इलेक्शंस और रेफरेंडम प्रभावित हुए हैं इनसे, और इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, और उसमें तरह तरह का एविडेंस भी सामने आ रहा है। तो ये हम लोगों के लिए भी चिंता का विषय है। हम लोगों ने भी बहुत प्रयास किए हैं फेक न्यूज़ रोकने, सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ें रोकने के लिए। गूगल, फेसबुक, ट्विटर,
इन सब के लोकल जो अधिकारी हैं और रीजनल अधिकारी हैं उनसे बातचीत की गई हमारे अफसरों के द्वारा, उनसे कमिटमेंट लिए गए कि आप इलेक्शन के दौरान इन प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी इस तरह के मटेरियल को नहीं रहने देंगे जो इलेक्शंस को एडवर्सली अफेक्ट करे। और जो लास्ट 48 आवर्स है क्लोजिंग ऑफ पोल से, साइलेंस पीरियड जिसे हम कहते हैं, उसमें कोई भी मटेरियल नहीं रहने देंगे ताकि वोटर अपना निश्चिंतता के साथ तय कर सके कि उसे किसे वोट देना है। जहाँ तक पेड न्यूज़ का सवाल है, उसके बारे में एक पर्टिकुलर मामले में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने एक फैसला दिया है। उस फैसले के अपील निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में की है, SLP लगाया है और एक स्थगन के लिए भी आवेदन दिया है। जैसे ही वो स्थगन मिल जाता है तो हम लोग पेड न्यूज़ का जो हमारा सिस्टम है उसके तहत बिल्कुल ट्रेनिंग, कड़ी कार्रवाई उसमें करेंगे। और मुझे बताते हुए एक खुशी है कि अभी तक पिछले 3 सालों में जितने चुनाव हुए हैं, जितने पेड न्यूज़ के केसेस हमारी मशीनरी ने पकड़े हैं, 99% केसेस में कैंडिडेट्स ने स्वीकार किया है कि साहब ये पेड न्यूज़ है और इसको हमारे अकाउंट में आप खर्चा जोड़ सकते हैं। तो ये बड़ी सफलता है। अभी MP में नरोत्तम मिश्रा का केस था पेड न्यूज़ का, तो कहते हैं कि कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने में ज़रा टाइम लगाया, देर हुई, ऐसा कुछ नहीं? देर नहीं हुई, क्योंकि देर करेंगे तो वो SLP स्वीकार ही नहीं होगा। वो तो जैसे ही तैयार हुआ वैसे ही फाइल हो गया। और उसी मामले में ये स्थगन का आवेदन भी दिया है कि माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के आदेश का वो ऑपरेटिव पोर्शन जिससे कि हमें पेड न्यूज़ को एनफोर्स करने में दिक्कत है उसका स्थगन दिया जाए ताकि हम लोग उसको आगे बढ़ा सकें। और ये ब्लैक मनी को कैसे रोकेंगे, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर? ये सब बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और आपने देखा होगा कि मैंने राजस्थान में भी प्रेस ब्रीफिंग में लोगों को बोला है कि ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि पैसा जो है पूरे विश्व में इलेक्शंस को विपरीत रूप से प्रभावित कर रहा है हर जगह। और इसके मैनिफेस्टेशन तरह तरह से होते हैं। मतलब बिग डेटा फर्म्स, कैम्ब्रिज एनालिटिका, डाटा हार्वेस्टिंग, प्रोफाइलिंग, टारगेटेड कम्युनिकेशन अफेक्टिंग द वोटिंग बिहेवियर ऑफ वोटर्स, वहाँ से शुरुआत करके कैश डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूशन, लिकर डिस्ट्रीब्यूशन, तरह तरह की चीज़ें। एक प्रदेश के चुनाव में तो हमने देखा कि 10 किलो शक्कर, 5 किलो चावल, इस तरह की चीज़ें सुबह सुबह 5 बजे हर दरवाजे पर रखी हुई थी। और उसमें कैंडिडेट का वो लिखा हुआ कि साहब वो हमने आपको ये दिया, आप वोट दीजिए। इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इन पर अंकुश लगाने के लिए जो अभी अपना कानून है उसमें कमीशन ने मांगा है कि कुछ सुधार किया जाना चाहिए, कि इसमें इस तरह के चीज़ों को अपराध बनाया जाना चाहिए, ऐसे लोगों को जो इस तरह का काम करते हैं उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए और कड़े कानून होने चाहिए। इस पर कमीशन कंटिन्यूस विचार कर रहा है और ये एक ऐसा एरिया है जिस पर हम लोगों को बहुत काम अभी करना बाकी है और करना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। और ये राजनीति का अपराधीकरण 50 साल से सुन रहे हैं इस बात को, ये तो बहुत अच्छी स्थिति में अभी आ गया है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक PIL में ये विचाराधीन है। उसमें इलेक्शन कमीशन ने अपने एफिडेविट में ये साफ कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन जो है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के लिए प्रतिबद्ध है। और हमारा मत यह है कि कोई भी कन्विक्टेड आदमी, कोई भी कन्विक्टेड अपराधी हो, उसको आजीवन किसी भी इलेक्टोरल ऑफिस को सीक करने से रोका जाना चाहिए, तभी हम राजनीति की परिशुद्धता को सुनिश्चित कर पाएंगे। ये जो EVMs का शक है, ये शक कब दूर होगा, होगा कि नहीं? EVM और जो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल अभी नई मशीन हम लोगों ने लगाई है, ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीका वोटिंग का है। आपने बटन दबाया, आपको दिख गया कि आपका बटन जो वोट है किस चुनाव चिन्ह किस कैंडिडेट को गया है, और वो स्लिप कट के गिर जाती है। तो हार्ड कॉपी रिकॉर्ड भी वोटिंग का अवेलेबल है और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी है। दूसरी, हमारी EVM जो है वो स्टैंड अलोन मशीन है। मतलब उसमें ना तो कोई वाईफाई से, ना किसी इंटरनेट कनेक्शन से, किसी अन्य मशीन से बात करने की क्षमता है, और हम ना उसको बिजली के केबल मतलब किसी उसमें कनेक्ट करते हैं, हम बैटरी से उसको लगाते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि ये मशीन किसी भी तरह से किसी अन्य मशीन से बात ही नहीं कर सकती, तो इसलिए इसको किसी भी तरह से कोई टेम्पर नहीं कर सकता। हाँ, अगर मशीन उसके हाथ में हो, फ्रीली हो, उसका पूरा मदरबोर्ड निकाल सके वो, और कोई दूसरा मशीन रेडियो बना के या कुछ भी बना के उसका मदरबोर्ड उसमें लगाए, तो वो रेडियो बन जाएगी।
लेकिन वो चीज़ संभव इसलिए नहीं है कि हमारा जो सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिजीम है इलेक्शन कमीशन का, वो इतना कड़ा है कि जब भी मशीन फैक्ट्री से एसटीक्यूसी से क्वालिटी चेक के बाद आती है तो सारी पार्टियों के प्रतिनिधियों के सामने उसको अनलोड करके स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिया जाता है, डबल लॉक में। उस पर सारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग दस्तखत करके सील लगा सकते हैं। फिर जब उसे फर्स्ट लेवल चेक के लिए खोला जाता है गोदाम को, तो भी उनको बुलाया जाता है, उनसे कहा जाता है देखो सील आपकी सही है, अब हम ताला खोल रहे हैं, मशीनें बाहर निकाल रहे हैं, आपके सामने ने चेक कर रहे हैं, फिर उस पर मॉक पोल कर रहे हैं आपके सामने, आप खुद बटन दबाइए और देखिए आप सही काम कर रही है। जब वो सब संतुष्ट होते हैं तब उसको फिर से बंद करके कि ये ओके है, FLC ओके है, फिर से गोदाम में रख दी जाती है इलेक्शन के लिए, और गोदाम फिर सील किया जाता है और उनके दस्तखत लगा दिए जाते हैं। फिर जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है मशीनों का, कैंडिडेट सेटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, उस समय भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि बुला के उनके सामने ही कैंडिडेट सेटिंग करके फिर मॉक पोल करके और फिर उनको सामान के साथ बांटा जाता है। जब पोलिंग स्टेशन पहुंच जाती है तो वहां भी सारी पार्टियों के पोलिंग एजेंट होते हैं, उनके सामने सुबह सुबह 50-60 वोट मॉक पोल होती है कि देखो भाई सब सही काम कर रहे हैं बटन, उसके बाद उसको डिलीट करके उसकी स्लिप निकाल के फिर उसको तैयार किया जाता है कि अब वोटिंग होगी इससे, और जब वोटिंग बंद होती है तब भी उनसे दस्तखत लेके उसे सील बंद किया जाता है और फिर लाके स्ट्रॉन्ग रूम में फिर रखा जाता है। और काउंटिंग के दिन भी उन्हीं के सामने स्ट्रॉन्ग रूम खोला जाता है, टेबल पर लाई जाती है मशीन, काउंट होता है और तब रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो इसमें ऐसा कहीं गुंजाइश नहीं है कि कोई एक आदमी को फ्रीली उस मशीन को रखने या देखने या कुछ खोलने का मौका मिले। और जो लेटेस्ट जनरेशन हमारी मशीन आई है M3 EVM, वो इतनी सेंसिटिव है कि उसको टेम्पर डिटेक्ट मैकेनिज्म कहते हैं कि अगर कोई गलत मंशा से उसे छुएगा भी तो वो फैक्ट्री मोड में चली जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कार को गलत मंशा से छूने पर अलार्म बजता है, बिल्कुल वैसे ही वो फैक्ट्री मोड में चली जाएगी। तो ये लेटेस्ट जनरेशन मशीन जो है ये बहुत सुरक्षित और किसी भी तरह से कहीं भी कुछ उसका किया नहीं जा सकता। ये बताइए कि ये EVM मशीन हिंदुस्तान में कौन बनाता है? ये हमारा रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री का एक पब्लिक सेक्टर है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग का एक पब्लिक सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL हैदराबाद, ये दोनों बनाते हैं। क्योंकि इन दोनों कंपनियों में सिक्योर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, परमाणु ऊर्जा और डिफेंस दोनों ही ऐसे हैं जहां पूरी तरह से सिक्योर बनाना चाहिए, नहीं तो दुश्मन को पता लग जाएगा। तो वही दोनों इनको बनाते हैं और बहुत अच्छे उसमें बनाते हैं, सारा वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, सारा SOP रहता है, इसलिए कोई उसमें तो सप्लाई कहाँ कहाँ करते हैं? आपके अलावा भी देश में किसी को सप्लाई करते हैं? ये देश में स्टेट इलेक्शन कमीशन को देते हैं, जो ये नगर पालिका और पंचायत के चुनाव कराते हैं, कुछ राज्यों ने उनको खरीदा है, इन्हीं से खरीदा है। प्राइवेट और कहीं किसी को नहीं देते? प्राइवेट किसी को नहीं देते हैं, कुछ देशों को इन्होंने दिए हैं शुरू में 2004-05 में, भूटान, नेपाल, नमीबिया, ऐसे 2-3 देशों को दिए हैं। अभी भी कई देश मांग रहे हैं, जैसे बोट्सवाना अभी मांग रहे हैं, बांग्लादेश मांग रहे हैं। तो अभी चूंकि हमारी ही जो ऑर्डर की मशीनें हैं वो अभी सप्लाई नहीं हुई हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने उन्हें ये कह दिया है कि जब ये दोनों कंपनियां हमारे ऑर्डर की मशीनें पूरी सप्लाई कर देंगे और हमारा लोकसभा का इलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा, उसके बाद कोई बात करेंगे इसके बारे में। मैंने सुना है कि इन दोनों कंपनियों का जो टोटल प्रोडक्शन है EVM का और जो आप खरीद रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा है, तो बाकी मशीनें कहाँ जा रही हैं, किसको बेच रहे हैं वो? नहीं, टोटल प्रोडक्शन जो बढ़ाया गया है वो हमारे लिए बढ़ाया गया। जो हम लोगों का ऑर्डर था उसको अगर उनकी स्थापित क्षमता से करते तो वो उसमें तो 2 साल लगते, लेकिन हमें चाहिए थी ये सारी मशीनें इसी सितंबर अक्टूबर तक। तो इसलिए उनकी क्षमताएं, जैसे 1 या 2 असेंबली लाइन के बजाय 7 असेंबली लाइन बनवाई, ECIL में भी 3 बनवाई, इसीलिए बनवाई कि हमारा ये ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अब ये सब पूरा जब हो जाएगा तब उन्हें डिसबैंड करके अपना डिफेंस और एटमिक एनर्जी का काम वो उन्हीं लोगों से कराएंगे। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो केस हुआ जिसमें EVM फेल हुई और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है EVM से, इसका मतलब है कि 2 तरह के EVM देश में हैं, एक तो वो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ली, एक आप ले रहे हैं, तो क्या ये सही है कि अलग अलग हैं ये? एक की तो गारंटी है, दूसरे की गारंटी नहीं है। नहीं, गारंटी सबकी हो सकती है अगर इलेक्शन कमीशन की तरह का सुरक्षा इंतज़ाम और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिजीम है वो फॉलो हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये EVMs खरीदी थी ECIL से 2004-06 के बीच में, लगभग 300 EVM खरीदे थे। पहला डिफरेंस ये था कि ये मल्टी पोस्ट थे,
हमारे उसमें क्या है, एक पोस्ट के लिए होता है, एक MLA एक MP के लिए होता है, इनमें मल्टी, तो इनके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस अलग थे, इन्हें प्रेसिडेंट भी इलेक्ट करना है, सेक्रेटरी भी इलेक्ट करना है, वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्ट करना है, तो वो सारे उसमें रहते हैं, तो वो मल्टी पोस्ट EVM कहलाती है, तो वो बिल्कुल इससे डिफरेंट होती है। दूसरा, ECIL से ख़रीदने के लिए अनुमति भी इलेक्शन कमीशन ने दी थी कि भाई इनके लिए आप ये सप्लाई कर सकते हो, लेकिन टेक्नोलॉजी अलग है, पूरी मशीन अलग है, इसलिए वो अलग हम लोगों से बिल्कुल अलग है। तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है इसका? हाँ, EVM के खिलाफ लोग गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट। हाँ, जैसे मध्य प्रदेश से भी एक रिट है, एक यहाँ से भी पिटीशन है, राजस्थान से भी है, और कुछ हाई कोर्ट में भी हैं। ये पिटीशन चलते रहते हैं और चलते रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ने हर बार अपने स्टेक होल्डर्स को संतुष्ट करने के लिए कोशिश ये की है कि उन्हें पूरे संदेह खत्म हो। EVM चैलेंज किया दो बार, एक बार 2009-10 में, एक बार अभी 17 में, और उनको जितने भी उनने डाउट्स, जितने भी उनने घटनाएं बताई थी कि साहब उधर कैंडिडेट का वोट भी उसे नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, उन सब चीज़ों के जवाब कि साहब डेवलप्ड देश भी नहीं इसको यूज़ करते EVM को, इन सब के जवाब अपने EVM स्टेटस पेपर में डाल के उसको पब्लिक डोमेन में वेबसाइट पर रखा हुआ है कि भाई कोई भी आदमी पढ़ ले, जो भी आप घटना की बात कर रहे हो कि इधर ऐसा हुआ, वो ऐसा नहीं हुआ, गलत है, वो सब चीज़ें हमने उसमें डाल के रखे हुए हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि कुछ वैज्ञानिक हरि प्रसाद थे, उन्होंने सिद्ध किया 2010 में कि इसको हैक किया जा सकता है। फिर कहते हैं आपके एक MLA थे सौरभ भारद्वाज, उन्होंने सिद्ध किया। फिर कहते हैं कोई नरसिम्हन है MP, उन्होंने सिद्ध किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, किसी ने किताब लिखी, तो वो जो सारी जो लोगों ने प्रूव किया था कि हम इसको हैक कर सकते हैं, एक दो लोगों को आपने अरेस्ट भी करवाया, ये क्या है सब कंट्रडिक्शन? ये एक्चुअली जिन्होंने सिद्ध किया है वो कहीं दिखते नहीं कि कहाँ है, कहाँ सिद्ध किया उन्होंने, क्या है, पहली चीज़। दूसरा एक बिंदु ये भी है कि एक विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने एविडेंस पकड़ा कि 90 करोड़ रुपए बांटा गया वोट के लिए कर्नाटक में, कहाँ। अब अगर कोई हैक करने वाला है तो क्यों 90 करोड़ बांट रहे हो आप? हैक करने वाला तो जादूगर है, सिमसिम का फार्मूला है उसके पास, बहुत बड़ी उसके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कहीं नहीं है। क्या आप समझते हैं कि कमीशन शुड बी द फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन दिस सिस्टम ऑन इलेक्टोरल इश्यूज, एंड देयर शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू कीप कोर्ट्स आउट ऑफ दिस प्रोसेस, ऐसा कुछ कभी सोचते हैं? बिल्कुल नहीं सोचता हूँ मैं, क्योंकि अभी जो हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में व्यवस्था की है वो बहुत अच्छी है। संविधान निर्माताओं ने जहाँ 326 अनुच्छेद से हमारी इलेक्शन कमीशन की स्थापना की है, वहीं 329 से ये भी कहा कि एक बार इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाए तो कोर्ट्स इंटरफेरेंस शैल बी बार्ड, दे कैन नॉट इंटरफेयर इन एनीथिंग टिल द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। और ये परंपरा पहले इलेक्शन से, 52 के इलेक्शन से चली आ रही है, और माननीय न्यायालयों ने इसका पूरा सम्मान रखा है, कभी भी कोई ऐसा इंटरफेरेंस नहीं किया है जो कि संविधान के प्रावधान के विपरीत हो। तो मुझे लगता है ये जो पूरा इस समय है ये बहुत अच्छा है व्यवस्था, इसमें किसी तरह के संशोधन की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। तो यू आर एब्सोल्युटली कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ कमीशन। जहाँ तक न्यायपालिका के उसमें है वो तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन जहाँ पैसे के दुरुपयोग की बात है, जहाँ मीडिया मैनेजमेंट की बात है, जहाँ दूसरे इस तरह के मुद्दे हैं, उनके बारे में सुधारों की गुंजाइश है, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, इन सब के लिए सुधारों की ज़रूरत है, जिसके लिए कमीशन ने सुधारों के प्रस्ताव भेजे हैं लॉ मिनिस्ट्री को, और कमीशन उन्हें सतत परस्यू भी करेगा कि ये धीरे धीरे आ जाएँ तो हमारे यहाँ की चुनाव व्यवस्था जो है वो और सुदृढ़ और अच्छी हो जाए। आपको भी लगता है कि इलेक्शन कमीशन के सामने एक चैलेंज है टू रेस्टोर द कॉन्फिडेंस एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द कमीशन अमंग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज? मुझे संतोष है कि अभी भी पूरे विश्व में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी और इमेज बहुत ऊपर है। दूसरा, मुझे ये भी लगता है कि हमारी चिंता सारे स्टेक होल्डर्स और आम आदमी जो हमारा आम वोटर है उसको संतुष्ट और विश्वस्त रखने की भी जिम्मेदारी हमारी बनती है, इसलिए जब भी उनकी कोई चिंता हमारे सामने आती है तो पहले तो कमीशन उन्हें तुरंत टाइम देती है। आपको मालूम होगा कि एक पार्टी ने संडे को टाइम मांगा कि साहब रविवार को हमें चाहिए टाइम, तो कमीशन का दफ्तर खोला गया, कमीशन आया, उनको पूरा 1.5 घंटे सुना गया, और उनकी शिकायत पर
तुरंत उसी दिन दल बना के उस राज्य में भेजे गए कि तुरंत जांच करिए और 2 दिन में रिपोर्ट करिए ताकि हम उन्हें जवाब दे सकें कि क्या स्थिति है। तो कमीशन का हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम अपने स्टेक होल्डर्स और आम वोटर को पूरी तरह से आश्वस्त कर दें कि कमीशन बिल्कुल निष्पक्ष और अच्छी तरह से काम कर रहा है और वो निश्चिंत रह सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू।